तो हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बताने वाले कि एलजी टीवी में ब्राउजर को कैसे यूज़ करें। तो अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको होम बटन पर क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम होम बटन पर क्लिक कर लेते हैं। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क जो है कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा वाईफाई कनेक्शन। यहाँ पे नेटवर्क मैंने कनेक्ट कर रखा है तो आपको भी कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आना है आपको बैक, फिर आपको होम बटन पर क्लिक करें। होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउजर को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो चलिए एलजी कंटेंट स्टोर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आ गया। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वी प्लेयर, यहाँ पे फिल्मिको, यहाँ पे लाइफ स्ट्राइक, काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आई पी टी वी स्मार्टर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे प्राइम वीडियो, यहाँ पे यूट्यूब, काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम ऐप वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको अदर ऐप दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं उस पर ऐप वाले सेक्शन पे और फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऐप और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जो कि ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई भी गेम खेल सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जिससे भी रिलेटेड यहाँ पे आपको ऐप मंगाना है यहाँ पे दिया हुआ है, गेम, इंटरटेनमेंट, लाइफ, एजुकेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए यहाँ पे आपको ब्राउजर यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जो ब्राउजर होता है वो ऑलरेडी एलजी स्मार्ट टीवी में डाउनलोड रहता है। सो यहाँ पे आपको हम यूज़ करके आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा होम बटन, होम बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर यहाँ पे आपको उस पर क्लिक कर लेना है। वेब ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ पे वेब ब्राउजर। सो यहाँ पे आप चलिए हम यहाँ पे कोई ब्राउजिंग करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे google.com यहाँ पे सर्च कर लेते हैं google.com और कर लेते हैं यहाँ पे इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको जो कि गूगल का एप्लीकेशन खुल चुका है। सो वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए।